तो इस तरीके से स्वागत है आपका इस फाइनल मुकाबले में चतराज जी के क्लब पिपरा रामचंदर और सामने है केपीएफ किचिया टॉस जीता है पूरे चतराज ने फील्डिंग करने रख दिया। पहली गेंद लेकर फाइनल मुकाबले की पहली शुरुआत करने के लिए तब तक पंडित तैयार है एक हाथ और दाएं हाथ के अरसू खान जो है चतराज के समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा 21 रन। टूर्नामेंट का ये फाइनल मुकाबला जारी है। बॉलर ने दौड़ना शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया, बहुत ही खूबसूरत शॉट मिड विकेट के ऊपर से 6 रन के लिए वैभव ने, बहुत ही खूबसूरत बल्लेबाजों ने। अर्शों के लिए ऋषभ ने दौड़ना शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया, बहुत ही खूबसूरत शॉट मौका बन सकता है के बाद 4 रन। एक ओवर 4 बॉल 33 रन बिना किसी विकेट के नुकसान। एक ओवर 4 बॉल 5 गेंद के लिए दौड़ना शुरू किया, एम्पायर क्रॉस किया, आशु बहुत ही खूबसूरत शॉट लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर से 6 रन के लिए। बल्लेबाजी बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी, 40 रन बनाया। सत्तीसवें ओवर की पहली गेंद फेंकने के लिए तैयार ऋषभ अर्शु के लिए। सत्यम ने दौड़ना शुरू किया अर्शु के लिए, अब एक मौका बन सकता है, बहुत ही बड़ा विकेट लिया सत्यम ने। अर्शु बॉल बिहाइंड, बहुत ही जबरदस्त सफलता हासिल की है सत्यम ने। जरूरत थी 2 ओवर 1 बॉल 40 रन के लिए। बहुत ही बड़े बल्लेबाज वन डाउन पर उतरे नौमा शेख। ये किसी के तारीफ का मोहताज नहीं है कि कोई इनकी तारीफ करे। कोच के चेहरे और कप्तान के चेहरे पे थोड़ी खुशी की लहर दौड़ी। सत्यम तीसरी गेंद फेंकने के लिए दौड़ना शुरू करता है, तो क्रॉस का नौमान के लिए एक मौका हो सकता है। बहुत ही बड़ा विकेट नौमा शेख, 0 पर आउट लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर। सत्यम ने बहुत ही गजब की गेंदबाजी, मायूस नौमान शेख, बहुत ही बड़ा विकेट गिरा इटिया ठोक का। सत्यम ने पिपरा रामचंद्र की टीम की वापसी। 3 ओवर 1 बॉल 41 रन 2 विकेट के नुकसान पर राशिद तैयार। डब्बू ने दौड़ना शुरू किया, एम्पायर को क्रॉस किया, बहुत ही अच्छी गेंद, एक दूसरा विकेट, 41 रन पे तीसरा विकेट गिरा। कॉट बिहाइंड हुए राशिद शेख। डब्बू पंडित ने दौड़ना शुरू किया, एम्पायर को क्रॉस किया, एक शॉट मारा, फील्डर वहां मौजूद हदीस, और एक मौका, चौथा विकेट गिरा 42 रन के स्कोर पर। 3 ओवर 4 बॉल 42 रन 4 विकेट। सत्यम दोबारा लाए गए हैं, डब्बू पंडित ने लिया तीसरी गेंद फेंकने के लिए। सत्यम ने दौड़ना शुरू किया, एम्पायर को क्रॉस किया, आशिक तैयार, एक लंबा शॉट खेलना चाहते हैं, विकेट के ऊपर से 6 रन। काफी समय के 4 ओवर 3 बॉल 48 रन 4 विकेट के नुकसान पर चौथी गेंद फेंकने के लिए दौड़ना शुरू, एम्पायर को क्रॉस किया, 3 बॉल। सत्यम ने 3 बॉल कर दिया, आशिक समझ नहीं पाए, सिल्वर गेंद थी और 3 बॉल हो गए, 3 बॉल सिल्वर गेंद थी, उसको पढ़ नहीं पास, आशिक और 3 बॉल हो गए। इसी के साथ स्कोर जा पहुंचा है 48 रन 5 विकेट कर रहे हैं। ऋषभ ने दौड़ना शुरू किया तेज कदमों से, एम्पायर को क्रॉस किया, मनीष तैयार है, एक मौका बन सकता है, अच्छा विकेट गिरा, बहुत ही गजब की गेंदबाजी कर रहे हैं ऋषभ।
बाबू पंडित, बहुत ही बड़ा विकेट, अब टेलेंडर बल्ले। सातवें ओवर की दूसरी गेंद फेंकने के लिए दौड़ना शुरू किया एम्पायर को क्रॉस किया मोहम्मद हारिस के लिए, एक लंबा शॉट खेलना चाहते हैं, बहुत ही लंबा शॉट मिड विकेट के ऊपर से 6 रन के लिए, 6 रन के साथ इंडियन हॉक का स्कोर जा पहुंचा है 61 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। एम्पायर को क्रॉस किया, बहुत ही अच्छा उसको फील कर दिया फाइन लेग की तरफ, बड़ा फील्डर नहीं है, अल्लाह से 4 रन होगा और एम्पायर का इशारा 4 रन, आज इस रन चौके के साथ स्कोर जा पहुंचा 73 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। 8 ओवर की समाप्ति के बाद उठाने के लिए इस मैच का आनंद उठाने के लिए यहाँ पे काफी प्रेशर वाला मुकाबला, रोमांस वाला मुकाबला, सनसनी खेज मुकाबला जारी है। इन स्विंग भी और लेग स्टंप उड़ कर सकते हैं बिना के गेंदबाजों का, समर ने दौड़ना शुरू किया एम्पायर को क्रॉस किया, बहुत ही अच्छी गेंद थी और देख रहे हैं बहुत ही अच्छा शॉट स्क्वायर लेग एम्पायर के बगल से 4 रन के लिए, खराब बहुत ही अच्छी गेंद थी लेकिन लेग साइड के स्टंप के बगल से निकली। इस ओवर की पहली गेंद फेंकने के बॉलर ने दौड़ना शुरू किया एम्पायर को क्रॉस किया, एक लंबा शॉट है, फील्डर मौजूद है, पूरी टीम हम अपने दर्शक को बता दे चले इंडिया ढो का पहला विकेट गिरा था 40 के स्कोर पर, पहुंचाए 98 रन 9 विकेटों के नुकसान रोशनी किए हुए हैं। इस ओवर के आखिरी गेंद फेंकने के लिए डब्बू पंडित ने एम्पायर को क्रॉस किया, एक मौका बन सकता है रन आउट और ये आउट हो गए, इसी के साथ ऑल आउट, खराब तालमेल, खराब रनिंग बिटवीन दोनों बल्लेबाजों के बीच में, इसी के साथ इंडिया को ऑल आउट हो गई है। हम अपने दर्शकों को बताते चले इंडिया ढोक ने पहले बल्लेबाजी की टॉस हारने के बाद और 103 रन पर पूरी टीम ऑल आउट हो गई, 11 रन चंद्रकांत